वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम ये पॉलीनोमियल है 6x³ प्लस 5x² माइनस 21x प्लस 10, इसको हम 3x माइनस 2, तो ये दूसरे पॉलीनोमियल यानी कि बाइनोमियल से हम कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। ये डिवाइड वन पॉलीनोमियल बाय अनदर पॉलीनोमियल और बाइनोमियल, तो इसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये डिवाइज़र है, है ना, ये इसको डिवाइड करना है। तो हम जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम करते हैं 9 / 3, तो 9 को इधर रखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सो 3x माइनस 2 6x³ प्लस 5x² माइनस 21x प्लस 10, तो ये हमने लिखा। ओके, अभी हमें देखना है कि जो डिविडेंड है ये इसका पावर देखिए, एक्स का पावर क्या है 3, एक्स का पावर है 2, एक्स का पावर है 1, और इसमें पावर नहीं है, एक्स नहीं है, 0 है। तो अभी इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। कभी कभी आपको ये दे दिया रहेगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स है, ठीक है, तो इसलिए हमें इसको अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी नहीं दिया है तो आप अरेंज कर सकते हैं, करना पड़ेगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ये देखना है जो डिवाइज़र है उसको भी सेम ऑर्डर में करना है, जैसे पावर 1 पावर 0। तो इसमें पहला टर्म और इसमें पहला टर्म, ये आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, तो ये पहला टर्म देखना है। तो अभी यदि नंबर देखते हैं हम लोग, तो नंबर देखते हैं तो 3 और यहाँ 6 है, तो किससे इंटू करने से 6 आएगा, तो हमको मालूम है 3 × 2 इज़ 6, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। चलिए, अब यह सिर्फ नंबर तो नहीं है, वेरिएबल भी है, एक्स है। अभी यह एक्स है और इधर x³ है, तो किस से इंटू करने से x³ आएगा। एक्स को हम कौन से वेरिएबल से और एक्स का कितना पावर से इंटू करेंगे कि ये x³ आ जाए, है ना। तो अभी यहाँ पर हमें मालूम है कि ये x³ का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, सो ये 3x आर मल्टीप्लाइड। अभी यहाँ पर है खाली 1x, तो इसका मतलब क्या है, हमको एक्स इंटू एक्स यानी कि 1x तो है ही, और 2x मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो x² हो गया, तो एक्स इंटू x² x³ हो जाएगा। तो इसलिए हमें x² से इंटू करना है। तो ओवरऑल अभी 3x को 2x² से इंटू या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ आना है, ठीक है। तो पहला टर्म ऑफ डिविडेंड, पहला टर्म डिवाइजर, ये देखना है। तो पहले नंबर देख लीजिए, 3 × 2 6, 2 लिखना है, फिर x के मामले में यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो यहाँ पर x² से हम इंटू करेंगे x² से, तब ये x³ आएगा, है ना। तो x × x × x x³ होता है, तो एक x ऑलरेडी है, तो x × x यानी कि x² से इंटू करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें मैच करना है। तो अभी हम लिखेंगे, इसके साथ इंटू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा 3 × 2 6, x² x³ हो गया। लेकिन जब हम यहाँ लिखते हैं तो देखिए ये डिवाइज़र में 2 भी है ना, तो ये 2 से भी इंटू करना है इसको, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 से भी इंटू करना है। अभी हम कैसे इंटू करेंगे 2 से, सो माइनस 2 2x² वो क्या हो जाएगा,
टू इंटू टू फोर और एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो याद रखना हमें कि जब हम इसको मिलाते हैं फर्स्ट टर्म लेके, तो सिर्फ इसको इंटू नहीं करना, इसके साथ और भी है, और एक टर्म है टू, माइनस टू है, तो इसके साथ भी इंटू करना। सो टू इंटू टू फोर, और इसमें तो एक्स नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है इसमें, उसके ठीक नीचे लिखना। तभी हमने इसलिए अरेंज किया है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म यही है, तो इसके ठीक नीचे हमें क्या लिखना है, टू इंटू टू फोर और एक्स स्क्वायर, और माइनस आएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हो गया। अभी हमने देखिए एक फैक्टर चुना, फिर उसके साथ इंटू किया और करेस्पॉन्डिंग टर्म में लिखेंगे। अभी हम जैसे ये नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, थ्री इंटू थ्री नाइन लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, अभी ये दो एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो नाइन है ना, थ्री इंटू थ्री नाइन है, तो इसका माइनस लिखते हैं यहाँ पर, तो साइन चेंज कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ भी साइन चेंज करना है। किसका, ओनली जो लोअर एक्सप्रेशन, इसका ऊपर वाले का नहीं। तो सिक्स का साइन क्या है, प्लस, तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए प्लस। इसमें कोई कुछ रूल नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ नीचे जो नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है ना, इसका जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना, जस्ट साइन चेंज करना, ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं, ऊपर वाले का साइन को नहीं देखना, तो सिर्फ यहाँ देखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस ये आपको ध्यान रखना है। अभी जब चेंज कर देते हैं साइन, तो अभी ये जो सिक्स का साइन माइनस लेना है, और फोर का साइन प्लस लेना, माइनस नहीं लेना, तो ये याद रखना। अभी सिक्स माइनस सिक्स, ये ऑलरेडी हमने इक्वेट किया था, सिक्स माइनस सिक्स क्या होता है, ज़ीरो, तो आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो ज़ीरो भी लिख सकते हैं, या इसको काट दीजिए और इधर कुछ मत लिखिए, तो आपके लिए अच्छा है। ओके, अब इस टर्म में देखिए, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म्स हैं, सेम पावर होना चाहिए वेरिएबल का, तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, और नंबर आप जोड़ना है, ऐड करना है, माइनस करना है, आप कीजिए, क्या है, प्लस फाइव प्लस फोर, तो सिर्फ जैसे हम नॉर्मल अरिथमेटिक करते हैं, नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही करिए। तो देखिए इसमें क्या आ जा रहा है, नाइन आ जा रहा है, तो अभी फाइव प्लस फोर लेना है, तो मैंने बताया ये माइनस नहीं लेना है। ओके, अभी बाकी ये जो है इसको आप ड्रॉप डाउन कीजिए, तो इसमें लेके आ जाइए। ठीक है, ओके, अभी हम फिर देखिए एक और एक्सप्रेशन आ गया, एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, जिनके पावर्स भी अरेंज्ड है, टू वन ज़ीरो। तो अभी फिर हमें क्या करना है, फिर ये फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, इसको मैचिंग करना, तो जैसे हमने यहाँ किया, पहले वाले का किया, थ्री के साथ सिक्स। तो अभी आप देख लीजिए, थ्री से क्या इंटू करने से नाइन आएगा, है ना, तो हम जानते हैं कि थ्री से थ्री इंटू करने से नाइन आता, प्लस नाइन, प्लस नाइन ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस थ्री। तो देखिए थ्री इंटू थ्री नाइन, तो नंबर मिल गया। अभी अभी यहाँ पर वेरिएबल को मिलाना है, एक्स है, अभी क्या इंटू करने से एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स है, क्या इंटू करने से एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ दो एक्स मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ एक एक्स तो ऑलरेडी है, तो और एक एक्स ले लीजिए। ओके, तो अभी देखिए ये आपको पता चल गया कि आपको x लिखना है,
तो नंबर नंबर मिलाते हैं, सो थ्री 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 इंटू थ्री नाइन, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ दो एक्स है तो यहाँ एक एक्स है तो एक और एक्स लिखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अभी इसका काम हो गया। ओके, अगेन विल मल्टीप्लाई दिस विथ थ्री एक्स, देन थ्री इंटू थ्री नाइन, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, फिर टू का चांस है माइनस या प्लस, तो माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ओके, एंड टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स, और यहाँ कोई एक्स नहीं है तो यही बोला एक वन एक्स आ जाएगा। तो अभी मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या करना है, साइन चेंज करना, माइनस का प्लस, सॉरी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज हो गया। अभी नाइन माइनस नाइन ज़ीरो, तो कैंसिल। अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी वन प्लस सिक्स, तो माइनस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कोई भी एक नंबर में माइनस है तो माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे, ट्वेंटी वन माइनस सिक्स तो फिफ्टीन आ जाएगा, फिफ्टीन एक्स, और साइन है बड़ा नंबर का साइन लगाएंगे, ट्वेंटी वन का साइन आ जाएगा माइनस, तो माइनस फिफ्टीन एक्स, फिर इसको ड्रॉप कीजिए। तो फिर एक एक्सप्रेशन आ गया, फिर अभी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। अभी करेंगे हम थ्री से फिफ्टीन कैसे आएगा, ठीक है। सो हम सभी को मालूम है थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन होता, तो फाइव लिखेंगे। अभी साइन क्या है देखिए, इधर में थ्री प्लस है और यह माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लेना है, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस लाना है, इसमें ऑलरेडी प्लस है तो इसमें माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो इसलिए माइनस फाइव लेंगे। और तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, नंबर इज मैच्ड, माइनस फिफ्टीन मैच्ड। अभी एक्स भी लगे यहाँ पर, अभी थ्री एक्स इंटू क्या करने से एक्स आएगा, या एक्स इंटू क्या करने से एक्स आएगा, तो और यदि एक्स ले लेते हैं तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बिकॉज ओनली वन एक्स इज देयर एंड विच इज़ ऑलरेडी देयर इन दैट डिवाइजर, तो इसमें कुछ भी एक्स नहीं आएगा, ठीक है। सो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, और एक्स इंटू यानी नहीं कुछ भी नहीं है तो वही एक्स इसमें आ जाएगा, तो इसलिए इस टर्म में एक्स नहीं आएगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि माइनस फाइव से इंटू करने से ये आएगा। अभी थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन एक्स, थ्री इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन एक्स, इसलिए एक एक्स आएगा। अभी माइनस टू का बारी है, माइनस टू इंटू माइनस फाइव, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और टू इंटू फाइव टेन, साइन भी देखना है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू फाइव टेन। तो ये अभी साइन चेंज करना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंगली माइनस प्लस, माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन ये कैंसिल हो गया, प्लस टेन माइनस टेन ये भी कैंसिल हो गया, तो ज़ीरो आ गया। तो फाइनली रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो कोफिशियंट क्या है फिर, सॉरी कोशेंट क्या है, तो आंसर क्या है, सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस टेन। यदि इसको हमने डिवाइड किया, थ्री एक्स माइनस टू से डिवाइड किया, तो क्या आ गया आंसर, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, तो ये आंसर है, दिस इज द क्वेश्चन्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक जो पॉलीनोमियल है उसको दूसरे जो पॉलीनोमियल से
हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं, आप इसको याद कीजिए। तो ये क्लास 7 में दिया है, 8 में, 9 में, 10 में, हर क्लास में आपको काम आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।